अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको चैनल बनाना और इसके अलावा वॉचिंग आवर्स कैसे चेक करते हैं और अपने चैनल को वेरीफाई किस तरीके से किया जाता है, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम अपना एक न्यू चैनल खोल लेते हैं। जैसे कि ये जीमेल आईडी मैंने यहाँ पर लॉगिन की हुई है लेकिन इसके ऊपर चैनल नहीं बना हुआ, तो हम इसके ऊपर चैनल बना लेते हैं। यहाँ पर सिंपली जो है वो योर चैनल के ऊपर जाकर क्लिक करना है और यहाँ पे आप कोई भी नेम मेंशन कर सकते हैं। वो जीमेल आईडी से सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, तो ये आपकी अपनी मर्जी होती है। उसके बाद आपने ये क्रिएट चैनल के ऊपर क्लिक कर लेना है, तो इस तरीके से हमारा चैनल बन जाएगा। अब ये देखिए हमारा चैनल जो है वो बन चुका है। इसमें हम सेटिंग में जाके अपने चैनल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि ये किस बारे में है। तो देखें इसमें मैं क्या लिखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रैवलिंग के बारे में है, या आप कुकिंग के बारे में बना रहे हैं, या स्टडी से रिलेटेड है, तो आप कुछ भी जो है वो इसमें लिख सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर होता है आपका चैनल जिस बारे में आप लिख दें। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट जो है वो अपने चैनल को वेरीफाई करना है, तो हमने क्रोम में जाकर जो है अपना चैनल ओपन कर लिया। जो किंग खान अभी हमने बनाया था वो हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। उसके बाद ये साइट पर चैनल के ऊपर क्लिक करके ये वेरिफिकेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे हमें ये ब्लू कलर में वेरीफाई लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। और इसके बाद ये हमारा कंट्री सिलेक्शन का पेज आ गया। इसमें आपका जो भी कंट्री आप उसको सिलेक्ट कर लें, मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप कॉल या आपके पास एक कोड आना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कॉल के थ्रू आए या मैसेज के थ्रू आए। और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नंबर भी मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर भी मेंशन कर देती हूँ। मैंने फ़िलहाल कॉल को सिलेक्ट किया है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें कॉल नहीं आती है या कोई एरर हो जाता है, तो आप इसमें नेक्स्ट जो ट्राई कर सकते हैं वो टेक्स्ट भी ट्राई कर सकते हैं। टेक्स्ट जो है वो ईजीली आ जाता है। जैसे ये एरर आ गया मेरे पास कॉल का, तो मैं इसमें टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करूँगी तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा, और फिर जो कोड आएगा वो मैं सिंपल यहाँ पर टाइप कर दूँगी, तो उससे मेरा चैनल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही मेरे पास कोड आ गया है, अब मैं इस कोड को सेम कॉपी करके यहाँ पर टाइप कर दूँगी। अब हमने ये सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, तो देखें ये लिखा हुआ आ गया कि हमारा चैनल जो है वो वेरीफाई हो चुका है। अब फिर भी हम एक बार कंफर्म करना चाहेंगे कि वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम यहाँ से दोबारा उसी पेज पर जाएंगे चेक करने के लिए कि हमारा चैनल वेरीफाई हुआ या नहीं। तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ गया वेरीफाइड, तो इसका मतलब है हमारा चैनल वेरीफाइड हो चुका है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसके ऊपर अब मोर देन 10 मिनट्स जो है वो वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अब हमने ये चेक करना है कि हम वॉचिंग आवर्स किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक किया और डेस्कटॉप वर्जन में इसको कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब ये देखिए हम यूट्यूब स्टूडियो के पास ऊपर जो है वो आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये साइट पर आपको मनी का साइन दिख रहा है, ये एस लिखा हुआ डॉलर्स में, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अब ये देखें इस जगह पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने वॉचिंग आवर्स हो चुके हैं, जो कि फ़िलहाल दोनों 0 ही हैं। तो लेकिन ये है एक वे कि जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि आपके कितने वॉचिंग आवर्स हो चुके हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।